गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 39th वीडियो हमारा चल रहा है और अब हम बात कर रहे हैं अपनी प्रश्नावली नंबर 9.5 की, जो कंटिन्यू चल ही रही है, और क्वेश्चन नंबर 8 है। 7 तक हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में जब हम बात करते हैं तो टॉपिक वही है और कॉन्सेप्ट भी वही है, जो 7वें में काम किया था वही 8वें में करना है। देखिए, सबसे पहले कंडीशन ये है कि ये जो कंडीशन हमारे पास यहाँ नीचे दी गई है, द्विघात समीकरण आ रही है, इस द्विघात समीकरण के टुकड़े नहीं हो सकते। जब टुकड़े नहीं हो सकते तो हमें इसको पूर्ण वर्ग विधि में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप पूर्ण वर्ग विधि कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 3x प्लस 1 आ रहा है ना, अंश में जो वैल्यू आ रही है, इसकी जगह पर कोई प्रतिस्थापन रखना पड़ेगा। और जैसे हमने 7वें में बात की थी, तो प्रतिस्थापन जब हम रखते हैं तो इसकी जगह पर हमने वैल्यू डाली है, एक सूत्र था कि अंश बराबर a इंटू डी बाई डी एक्स हर और प्लस b, ठीक है। अंश की जगह पर आ जाता है 3x प्लस 1, ए कांस्टेंट है ही, ए और बी के हमको मान निकालने हैं। डी बाई डी एक्स हर कर देते हैं, मतलब अवकलन करना है किसका, हर का, ये जो आ रहा है, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और प्लस बी हो गया। अब इसको हल कर देते हैं तो 3x प्लस 1 बराबर ए, इसका अवकलन किया 4x माइनस 2 और प्लस बी, इनका अंदर गुणा कर देते हैं तो 3x प्लस 1 बराबर 4ax माइनस 2a और प्लस बी, ठीक है। अब ये जो कंडीशन हमारे पास आई है, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले x के गुणांकों की तुलना करनी है, तो यहाँ लिख देंगे x के गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांकों की तुलना करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 3, है ना, x का गुणांक 3 आ रहा है और यहाँ पर x का गुणांक क्या आ रहा है, 4a, तो a की वैल्यू यहाँ से निकलती है 3/4, ठीक है। उसके बाद कर देते हैं अचर पदों की तुलना, तो अचर पदों की तुलना करने पर, जब अचर पदों की तुलना करते हैं तो देखिए यहाँ से तो मिल रहा है प्लस का 1, है ना, और यहाँ से क्या मिला, 2a प्लस b, a की वैल्यू इसमें डाल देते हैं तो माइनस 2, a की जगह पर आ जाएगा 3/4 प्लस b, इससे ही कट गया, तो यहाँ हमको मिलता है 1, तो चल ही रहा है, 2 से ये 4 कट जाएगा तो माइनस का 3/2 और प्लस बी, तो माइनस 3/2 प्लस बी, 3/2 का आप इधर भेज देते हैं तो बी बराबर हो जाता है 1 प्लस 3/2, मतलब ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया, 1 और 1.5 कितने हो जाते हैं, 2.5 का मतलब 5/2, तो बी का मतलब आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/2, तो ए का मान निकल गया 3/4, बी का मान निकल गया 5/2, ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे इस जगह पर जहाँ अवकलन किया ना, इस वाली लाइन में रखना है, तो 3x प्लस 1 ये एज इट इज चलेगा, 3x प्लस 1 और ए की जगह पर चल रहा है 3/4 और यहाँ जाता है 4x माइनस 2 प्लस बी, बी की जगह पर 5/2, ठीक है। अब जब यहाँ तक हम आ गए तो एक बार आप हमेशा ये काम किया करें कि भाई इसको सॉल्व करके देख लो, इसको सॉल्व करके जब देखते हैं तो आपके पास ये आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 3x प्लस 1 की जगह पर हमको ये प्रतिस्थापन रखना है ना, प्रतिस्थापन रखेंगे तभी तो इसकी जगह पे ये रखा जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हम इसकी जगह पर ये कैसे रख पाएंगे, रख ही नहीं सकते। अब देखिए इसको सॉल्व करके देख लीजिए थोड़ा सा, कि अगर हम यहाँ से ये 3/4 को अंदर ले जाते हैं तो ये तो बन गया 3x, 3/4 यहाँ गया तो 3/2 हो गया, है ना, माइनस का 3/2 और प्लस का 5/2 हो गया, तो 3/2 का मतलब 1.5 माइनस का और 2.5 प्लस का, तो प्लस 1 बचेगा, आ गया भाई, सही है। तो दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, ये जरूर करके एक बार देख लिया करें, कोई भी मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन यहीं पर हम सॉल्व कर पाएंगे, मतलब उसको सॉल्व करने से पहले उसको ठीक कर पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ से आप आगे चले गए तो फिर उसकी संभावना ख़त्म हो जाएगी। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं, मेन क्वेश्चन हमारा आता है 3x प्लस 1, तो पहले एक बार ऐसे लिखते हैं 3x प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx बराबर, इसकी जगह पर आएगा 3/4 4x माइनस 2 प्लस 5/2 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3, ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब इनको अलग अलग करिए, अब देखिए दो पार्ट बने हुए हैं, एक तो ये वाला पार्ट है एक ये वाला पार्ट है, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो 3/4 तो हमने बाहर ले लिया और यहाँ से आया 4x माइनस 2 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, फिर प्लस 5/2 dx
अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, सही है। अब क्या करना है, देखिए जब इसको हल करते हैं तो इस वाले को हम t मानते हैं, जब इसको t मानेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा और यही हमारा सिंपल काम होगा। तो ये i1 है, इसको आप साइड में लिख देंगे, यहाँ पर इसको अभी फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ dt अपॉन t, और यहाँ से प्लस 5/2। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है, तो काम वही पूरा करना है हमको। अब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो एक बार अभी आप इसको ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, चलो अब आप कर चुके हो काम, अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट करते हैं इस चीज़ को कि सबसे पहला काम तो हमारा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, एक बार तो पहले इसके लिए लिख लेते हैं। जैसे ये डी टी अपॉन टी लिखा है तो हमने इसको टी माना है, तो यहाँ लिख देते हैं आई वन के लिए 2x² माइनस 2x प्लस 3 बराबर t हो गया, तो 4x माइनस 2 dx बराबर dt, ठीक है। ये तो आपके i1 के लिए हो गया। अब जब हम इसके लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 आ रहा है, x स्क्वायर का गुणांक है 2। अब इसका सबसे पहले भाग होगा, मतलब 2 का गुणा और 2 से भाग, तो जब 2 से गुणा और 2 से भाग हो रहा है तो ये जो 2 है ये तो हो गया 4, सही है, 2 से गुणा और 2 से भाग हो रहा है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये विधि आपको हम पहले बता चुके हैं, काफ़ी डिटेल में भी कर चुके हैं, तो इसको जब आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा अब डायरेक्ट लेना शुरू करते हैं। तो 2 से गुणा किया, 2 से भाग किया, तो देखिए यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा माइनस का एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 3/2। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने गैप क्यों छोड़ा है बीच में, है ना, बताया था ये बात कि जो चीज़ यहाँ जोड़ी घटाई जाएगी, एक्स के गुणांक को आधा करके वर्क करके जोड़ेंगे घटाएंगे, तो वो हमेशा थर्ड नंबर पे आता है और बाकी जो आएगा वो फिफ्थ नंबर पे आएगा या फोर्थ नंबर पे, कहीं भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करते हैं x का गुणांक क्या आ रहा है, 1, इसका आधा कर दिया तो 1/2 हो गया, है ना, 1/2 हो गया, 1/2 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर देते हैं तो 1/4 हो जाता है, और यहाँ पर माइनस में 1/4 हो जाता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, जैसे ही मैंने डायरेक्ट किया है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसको पॉज करिए, आराम से इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपको यही प्राप्त होगा, ठीक। तो एक बार यहाँ तक का आप नोट कर लीजिए और फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखिए अब इसी से आगे बढ़ रहे हैं, ये वाला तो एज इट इज़, इसमें कुछ नहीं करना, 3/4, और अभी इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, इसको अभी फ़िलहाल यहीं छोड़ा है, दोनों का साथ में कर देंगे। ये आ जाता है 5/4, ये एज इट इज़ चल रहा है, और वहाँ बनता है dx। अब देखिए इन तीनों को लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1/4, इन तीनों को मिलाते हैं तो एक होल स्क्वायर बनता है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। फिर इधर आ जाइए, ये 3/2 है, ये 1/4 है, दोनों का एलसीएम करते हैं, तो देखिए एलसीएम में यहाँ पे 2 आएगा, ओ 4 आएगा, एलसीएम में 4 आ गया, और यहाँ ये दो बार कट गया तो यहाँ हो गया 6 माइनस 1, मतलब 5/4 आ गया, ठीक है, ये थोड़ा सा रफ काम है इधर, तो 5/4 आया। अब इस 5/4 ये प्लस का है, तो 5/4 है उसको पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करना है। तो अभी जस्ट पहले वाले सवाल में भी यही बात आई थी, तो जब हमने इस काम को किया था कि अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्या आ जाती है जिसका पूर्ण वर्ग पॉसिबल नहीं है, जैसे 5 का नहीं है, 4 का तो हो जाएगा, तो हम क्या उसमें कौन सा मेथड यूज़ कर रहे थे कि इस पर रूट लगा दिया और स्क्वायर कर दिया, पूर्ण वर्ग बन गया, हो गया ना। तो ये इस तरह से कर देना है। अब इसके अंदर भी हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो जैसे हमने यहाँ साइड में ले लेंगे इसको, साइड में इसको लिख के और कुछ मान लेते हैं, जैसे t तो हम मान ही चुके हैं, तो यहाँ ले लेते हैं i2 के लिए, i2 में हम ले लेते हैं x माइनस 1/2 बराबर p ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा dx बराबर dp, ठीक है। अब देखिए वैल्यू क्या बनती है, 3/4 dt अपॉन t प्लस 5/4 और dp अपॉन में p स्क्वायर प्लस √5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी टेन इनवर्स का बन रहा है फॉर्मूला, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है, तो टेन इनवर्स हो गया, इसमें वैल्यू डाल दीजिए बस। अब दोनों एक साथ हम कर रहे हैं तो 3/4 तो है ही, और dt अपॉन t के अनुसार ये बनता है log t प्लस ये 5/4 हो गया। अब dp
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टेन इनवर्स बन रहा है, टेन इनवर्स के हिसाब से बनता है वन अपॉन ए, ए की जगह पर तो ये आया, फिर टेन इनवर्स, फिर एक्स अपॉन ए, तो एक्स की जगह पे पी चल रहा है, ए की जगह पर रूट फाइव बाई टू चल रहा है और प्लस सी हो गया। ठीक है, अब इनको सॉल्व करिए, थ्री बाई फोर टी की वैल्यू रख देते हैं, तो टी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री प्लस फाइव बाई फोर। अब देखिए ये टू ऊपर जा रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना यहीं पे, ये सीधा ही हो जाएगा कि ये टू ऊपर गया, ठीक है, इस टू से ये फोर कटेगा तो नीचे दो आएगा, रूट फाइव से ये फाइव कटेगा तो ऊपर रूट फाइव आएगा, तो इसको हम लिख देंगे रूट फाइव बाई टू टेन इनवर्स, और पी की जगह पर वैल्यू रखिए, पी की जगह पर आ रहा है एक्स माइनस, ये भी मिटा देता हूँ, एक्स माइनस वन बाई टू अपॉन में रूट फाइव बाई टू और प्लस सी। एक बार और एलसीएम होगा इसके अंदर और यही आंसर होगा, तो थ्री बाई फोर लॉग टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू टेन इनवर्स, लघुत्तम कर देते हैं तो टू एक्स माइनस वन आ जाता है, रूट फाइव आ जाता है। अब शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई टू कहाँ गया, क्योंकि जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो टू एक्स माइनस वन आता है, नीचे टू आएगा, यहाँ भी टू आ रहा है ना, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा और ये बच जाएगा और ये हमारा लास्ट आंसर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन। अब देखिए इसके अंदर क्या सिस्टम है, सेम वही है ना, सातवां भी वही था, आठवां भी वही था, नौवां भी वही था, तो इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद इस तरह के क्वेश्चन पेपर में मिल भी जाते हैं, तो इनका थोड़ा सा ध्यान भी रखें आप। अब जैसे तरीका वही रखना है तो यहाँ लिख देते हैं अंश बराबर ए इंटू डी बाई डी एक्स हर और प्लस बी, इसमें मान रखिए अंश की जगह पर आ रहा है एक्स प्लस वन, ए है ही, डी बाई डी एक्स मतलब अवकलन करना है हर का, तो एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस पाँच और प्लस बी है ना। अब इनको हल करते हैं तो x प्लस वन आता है, a एज इट इज छोड़ दिया, इसका अवकलन करते हैं तो 2x प्लस फोर आ गया, फिर यहाँ b आ गया, हो गया, a को अंदर गुणा कर दीजिए तो यहाँ से आ जाता है x प्लस वन बराबर टू ए एक्स प्लस फोर ए प्लस बी। अब x के गुणांक की तुलना करते हैं, x के गुणांक की तुलना करने पर जब इनकी तुलना करते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास, यहाँ से देखिए x का गुणांक लेना है ना, तो यहाँ से गुणांक आ रहा है एक और यहाँ से x का गुणांक क्या आया, टू ए एक्स का गुणांक, ठीक है, x को छोड़ के सब कुछ, तो a बराबर आ जाता है वन बाई टू, ये a का मान आ गया। उसके बाद में अचर पदों की तुलना करनी है, सेम प्रोसेस चल रहा है, कोई अंतर नहीं कर रहे, तो अचर पदों की तुलना, जब अचर पदों की तुलना करते हैं तो वैल्यू आती है 4a प्लस बी इक्वल टू वन, तो 4a की जगह पर आ गया 1 बाई टू प्लस बी इक्वल टू वन, इससे ये कट गया 2 प्लस बी बराबर 1 हो गया, 2 को उधर पक्षांतरण कर दिया तो b बराबर माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, 2 उधर गया तो माइनस का 2 जाएगा, दोनों कट गए, माइनस का 1 आ गया। अब ये जो दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनको आपको इस जगह पर रखना है जहां हम अवकलन कर देते हैं ना, अगली स्टेप पर उस पर रखना होता है, तो ये वैल्यू यहां रख देते हैं, तो वैल्यू आती है x प्लस वन ए, वो a, a की जगह पर तो वैल्यू रखनी है, a की जगह पर आ गया 1 बाई टू, तो यहां रख दिया 1 बाई टू और 2x प्लस फोर, 2x प्लस फोर और b की जगह पर माइनस एक, b की जगह पर माइनस एक आया हुआ यहां पर, ये रख दिया। अब मैंने पहले भी कहा था कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं लिखने से पहले है ना, इस वैल्यू को यहाँ डालने से पहले इसको एक बार सॉल्व करके देखिए क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं है, पहले हम ये काम करते हैं। तो एक बटा दो को अंदर ले गए, एक्स बचेगा, सही है, ये एक बटा दो यहाँ गया तो चार बटा दो हो जाएगा, मतलब दो बचा प्लस का, फिर माइनस एक आ रहा है, कट जाएंगे, प्लस का एक बचेगा, तो देखिए आया ना वही चीज़, तो x प्लस वन आ रहा है, इसका मतलब इस x प्लस वन की जगह पर हम ये प्रतिस्थापन रखेंगे, कहाँ पर, क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा आ रहा है x प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस पाँच डी एक्स, इसकी जगह पर हम रखते हैं वन बाई टू टू एक्स माइनस फोर प्लस फोर
और माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस पाँच, ये आ जाता है, हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद में इन दोनों पदों को अलग अलग कर देते हैं, तो ये एक बटा दो हमने बाहर कर लिया, यहाँ से आ जाएगा टू एक्स प्लस फोर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस पाँच, फिर माइनस वन को अलग कर दिया तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस पाँच और डी एक्स, ठीक है, इसको टी मान लेते हैं। अब देखिए आई वन में तो टी मानना है ना, और आई टू में पूर्ण वर्ग विधि चल रही है, तो वही सेम सिस्टम चल रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं एक बटा दो, ये तो बन जाएगा डी टी अपॉन टी। अब कैसे बन गया, इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि आई वन के लिए, आई वन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस पाँच बराबर टी, तो टू एक्स प्लस फोर डी एक्स बराबर डी टी, आ गया, इस वैल्यू को यहाँ डाल दिया, डालने के बाद डी टी अपॉन टी आ गया, ठीक है, माइनस डी एक्स अपॉन में, यहाँ देखिए अब एक्स स्क्वायर है ना, अब जो एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक तो है ही नहीं, तो गुणा भाग तो होगा नहीं, अब यहाँ पे आ जाएं x के गुणांक का आधा करके, तो x का गुणांक 4x आ रहा है, तो पहले तो हमने इसको ऐसे ही लिखा, और ये जो 5 है इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लिख लिया, थर्ड रैंक पे हमको जोड़ना होता है, तो x के गुणांक का आधा करिए, 4 है, 4 का आधा कर देंगे 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, उस 4 को यहाँ पर जोड़ देना है और यहाँ पर घटा देना है, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, हो गया, फिर उसके बाद ये एज इट इज चल रहा है, माइनस यहाँ आ जाएगा डी एक्स, आप देखिए तीन पद निकालते हैं एक साथ, इन तीनों को एक साथ लेते हैं तो x प्लस टू का होल स्क्वायर हो गया है ना, और पाँच माइनस चार करते हैं तो क्या वैल्यू मिलती है, एक, मतलब एक का स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाते हैं आई टू के लिए, आई टू के लिए काम करते हैं, मतलब इसके लिए काम कर रहे हैं, तो इसके लिए जब हम काम करते हैं तो x प्लस टू बराबर p हो गया, तो डी एक्स बराबर डी पी हो गया, ठीक, ये वैल्यू इसमें डालिए, एक बटा दो हुआ डी टी अपॉन टी हुआ माइनस डी पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन, इस वन को आप वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। अब कौन सा फार्मूला बना, कौन सा बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर जो फार्मूला हमारे पास आया वो टेन इनवर्स वाला है, अब ये भी आया था, तो मैंने आपको बार बार बोला है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं फार्मूले को यहाँ साइड में ज़रूर लिख दें, और अब ये सेम फार्मूले हैं इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, पर आप जब भी काम कर रहे हैं तो आप उसको ज़रूर लिखें, उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, फार्मूले याद भी होंगे। अब इनको हल कर देते हैं, तो एक बटा दो लॉग टी माइनस वन अपॉन, अब सीधा लिख देते हैं वन अपॉन ए आएगा, तो ए की जगह पे वन चल रहा है, तो वन अपॉन ए यानी वन बाई वन हो गया, फिर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी, अब अगली स्टेप पे ये हटा देंगे, इनकी वैल्यूज रखिए, तो लॉग टी की जगह पर देखिए क्या माना था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस पाँच, माइनस इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, है ना, वन बाई वन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, टेन इनवर्स पी बाई वन हो जाता है, तो टेन इनवर्स p की जगह पे वैल्यू रखिए, p की जगह पे हमने माना है x प्लस टू, तो x प्लस टू और प्लस सी, तो जो टोटल हमारा आंसर चल रहा है उसमें लास्ट आंसर हमारा बना 1 बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव माइनस टेन इनवर्स x प्लस टू और प्लस सी, ठीक है, ये आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस आ रहा है लेकिन तरीका वही चलेगा, अब यहाँ थोड़ा सा उलझा हुआ है क्वेश्चन, ये जो कॉज स्क्वायर आ रहा है ना, अब पहले इसको देखिए, कॉज एक्स डी एक्स आ रहा है, कॉज एक्स डी एक्स से हमें ये पता चल जाता है कि भाई हमें साइन को अगर हम टी मान लेते हैं तो कॉज एक्स डी एक्स आ जाएगा, है ना, ये चीज़ तो क्लियर हो रही है यहाँ से, पर ये जो कॉज स्क्वायर एक्स है ये भी तो गड़बड़ कर रहा है ना, जो द्विघात समीकरण है वो तो नहीं बन रहा नीचे, तो हम इस कॉज स्क्वायर को सबसे पहले चेंज करते हैं और इसको लिख देते हैं थ्री साइन एक्स माइनस टू कॉज एक्स डी एक्स, ये तो एज इट इज़ ऊपर वाली लाइन, और पाँच माइनस कॉज स्क्वायर एक्स है तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस चार साइन एक्स, सही है, हो गया। अब ये माइनस जैसे ही अंदर आता है तो थ्री साइन एक्स माइनस टू कॉज एक्स डी एक्स अपॉन में पाँच माइनस, ये अंदर आया, माइनस एक हो गया, ये अंदर आया
तो ये प्लस हो गया साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 4 साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स पहले लिख लेना है। तो जो द्विघात समीकरण है उसको बनाने के लिए हमें यहाँ पर थोड़े से कंडीशन को यहाँ चेंज कर देना है। जैसे ये कॉस एक्स डी एक्स हो गया, अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, अब देखिए माइनस का 4 साइन एक्स, ये दोनों कट गए, प्लस का 4 बच गया, हो गया। अब क्या करेंगे, साइन एक्स को टी मानेंगे, हो गया अपना क्लियर काम जो था कि साइन एक्स को अगर हम टी मानते हैं, साइन एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉज एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये मान यहाँ रख दिया, तो 3t माइनस 2 डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, देखो सही है ना, साइन एक्स की जगह पे टी रखा ये मान लिया, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो कॉज एक्स डी एक्स आएगा और इधर डी टी आएगा, तो वैल्यू क्या मिलती है, इस साइन की जगह पर तो हो गया टी स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 4t और यहाँ पर आ गया प्लस 4, साइन की जगह पर यहाँ टी रख दिया तो 3t माइनस 2 हो जाता है और ये कॉज एक्स डी एक्स है, इसकी जगह पर डी टी हो जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है। अब इसको हम अपने पुराने मेथड के अनुसार, जैसे ये सवाल था हमारा 7वां था, 8वां था, 9वां था, है ना, 10वां भी यही आया, इसी अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो हमें इसके लिए काम करना है, पहले इसका प्रतिस्थापन रखना है। जब इसका प्रतिस्थापन रखते हैं तो 3t माइनस 2 है, इसका प्रतिस्थापन रख रहे हैं तो तरीका वही है कि a d बाई डी एक्स हर और प्लस b, इसमें मान रखिए, तो 3t माइनस 2 वो dt आएगा। अब x के सापेक्ष नहीं हो रहा है काम, है ना, अब t के सापेक्ष हो रहा है, तो वहाँ पे t ले लेंगे और a आ गया d बाई डी टी और हर, हर की जगह पर क्या चल रहा है, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 और प्लस b, कर दीजिए सॉल्व इसको, 3t माइनस 2 a 2t माइनस 4 प्लस b, क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद में जब हम आगे चलते हैं तो पहले गुणा, सेम प्रोसेस, कोई अंतर नहीं है, लगातार देखिए प्रैक्टिस कितनी बार हो रही है एक ही तरह के सवालों की। इसको अंदर गुणा किया 2at, फिर a से गुणा हुआ 4a प्लस b। अब t के गुणांकों की तुलना करने पर, टी के गुणांकों की तुलना, जब टी के गुणांकों की तुलना करते हैं तो यहाँ ये पहले इसको ले लो, यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पर क्या आएगा 2a, तो a की वैल्यू आ जाती है 3/2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद में अचर पदों की तुलना करनी है, तो यहाँ लिख देंगे अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करते हैं तो अचर पद यहाँ से आ रहा है माइनस का 2, यहाँ से अचर पद आ रहा है माइनस 4a प्लस b, सही है। अब a की वैल्यू रखिए वापस, तो a की वैल्यू आती है माइनस 4, a की जगह पर आ जाता है 3/2 प्लस b। अब देखिए यहाँ से ये कट गया दो बार, है ना, 3 × 2 = 6 हो गया, तो माइनस का 6 आया, माइनस 6 को आप इधर भेज देते हैं, प्लस का 6 हो जाता है, प्लस 6 और माइनस का 2 तो प्लस का 4 आता है, इसका मतलब b बराबर आ जाता है 4, तो b की वैल्यू हमारे पास आई 4 के बराबर, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर आपको दिक्कत हुआ करे तो इसको पॉज किया करिए वीडियो को और फिर एक बार खुद कैलकुलेट करके देखिए, आंसर यही मिलेगा, ठीक। यहाँ तक का काम हो गया। अब ये हमने काम क्यों किया, तो ये जो कंडीशन आ रही है 3t माइनस 2, इसकी जगह पर हमें कुछ चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि जब अवकलन हम कर चुके होते हैं तो अवकलन करने के बाद वाली जो स्टेप है ना उसमें आपको मान रखना होता है, तो ये वैल्यू हमको मिलती है कि 3t माइनस 2 ये वाला बराबर a, a की जगह पर 3/2 और इसकी जगह पर आ जाएगा 2t माइनस 4 प्लस b, b की जगह पर 4, मतलब 3t माइनस 2 की जगह पर हमें प्रतिस्थापन रखना है ये वाला, ठीक है। अब सवाल जो हमारा बन रहा है वो यहाँ से, मेन सवाल तो यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अभी एक बार इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ और एक बार इस सवाल को फिर दोबारा वहीं से शुरू करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर उसके बाद शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है,
कि अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है कि 3t-2 आपको उसी के आगे शुरू करना है और t²-4t+4 और dt हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 3t-2 की जगह पर ये वाला प्रतिस्थापन रखना है ना, प्रतिस्थापन का तरीका समझ चुके हैं। तो यहाँ रख देंगे 3/2, 2t-4 हो गया प्लस 4 हो गया अपॉन में t²-4t+4। ठीक, इनको अलग अलग करिए तो 3/2, ये 3/2 बाहर आ गया, 2t-4 हो गया, t²-4t+4 ये dt हो गया, प्लस 4 को बाहर कर दिया, dt अपॉन में t²-4t+4। ठीक है, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि सेम तरीका चल रहा है। अब क्या होता है, देखिए इसको अगर हम अवकलन कर देते हैं इस वाले पद का, तो यही पद मिलेगा हमको, है ना। इसका अवकलन करेंगे तो 2t आएगा, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, वही कंडीशन आ रही है। लेकिन अब t नहीं मान सकते, इसको मिटाऊंगा थोड़ा सा। अब t क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि t आप पहले मान चुके हैं। जब t हम पहले मान चुके हैं तो कुछ और मानना पड़ेगा, कोई और प्रतिस्थापन ले लेते हैं। अब कोई और प्रतिस्थापन क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर, कि t²i1 के लिए, i1 के लिए काम कर रहे हैं, i1 के लिए t²-4t+4 = p मान लेते हैं। तो ये हो जाता है 2t-4dt = dp। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं तो ये आ जाता है 3/2 dp / p, ये पी हो गया। अब इधर आ जाओ, देखो एक चीज़ आ रही है यहाँ, आप जल्दबाजी में आप एक गड़बड़ कर देते हो। हम ये सोचेंगे कि भाई ये इसके टुकड़े भी हो रहे हैं, टुकड़े भी कर सकते हैं इसके ना, टुकड़े करते हैं तो आंशिक भिन्न बन जाएगी। अब इतना बड़ा काम तो हम पहले ही कर चुके हैं, फिर आप आंशिक भिन्न भी करोगे, आंशिक भिन्न करेंगे तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या तरीका यूज़ करते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, क्या ये पूर्ण वर्ग बन रहा है किसी भी चीज़ का। देखिए ध्यान से, ये जो कंडीशन है इसका, जब हम इसको लिखें तो इसको ये लिख सकते हैं क्या, t-2 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ये पूर्ण वर्ग अपने आप ही बन गया। तो हमें यहाँ पर ना तो आंशिक भिन्न लगाने की ज़रूरत है, ना हमें यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि लगाने की ज़रूरत है। अगर आप पूर्ण वर्ग विधि लगाते हैं तब भी आपको यही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं और अब इनका अवकलन कर देते हैं। तो 3/2 तो चल ही रहा है और ये log p हो गया प्लस 4 हो गया। अब देखिए 1/x², इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, है ना, तो जो बच्चे नहीं कर चुके हैं उनको भी पता होना चाहिए अब कि 1/x² है ये, जैसे 1/x² की कंडीशन है। 1/x² को जब आप हल करते हैं तो x²-2 करेंगे, x² को ऊपर ले गए, x²-2 का मतलब हो गया, वो x²-2 का मतलब हो गया x n, तो x n+1 और n+1, तो यहाँ से आ जाता है x·1/-1। तो ये जो माइनस है ये तो ऊपर आ जाएगा और ये जो x·-1 है ये नीचे चली गई, तो −1/x हो गया, −1/x आया। इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करिए तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा t-2 और प्लस c। ठीक है, पुराने वीडियोज जो कंटिन्यू देख रहे हैं उनको खूब अच्छी तरह पता है कि क्या सिस्टम हुआ है। तो आप अगर नहीं देख चुके हैं, मान लीजिए पहली बार ही देख रहे हैं ये वीडियो, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पुराने वीडियोज़ में उसकी डिटेल है। अब इसमें वैल्यू डालना शुरू करिए, 3/2 log, अब p की वैल्यू देखिए, p हमने क्या माना है, ये वाला, तो t²-4t और प्लस 4 माइनस 4 अपॉन, और t की जगह पर क्या माना है, t शुरू में sin x माना था ना, तो यहाँ आ जाएगा sin·x-2, है ना, आपके पास तो लिखा हुआ है, मैंने मिटा दिया है, तो t की जगह पर हमने sin·x माना हुआ था। अब यही काम यहाँ भी कर देना है, तो ये आ जाएगा 3/2 log, t की जगह पर sin²x − 4 sin·x + 4 माइनस 4 अपॉन sin·x और −2 और प्लस c। ठीक है, ये कंप्लीट आंसर हो गया है। और थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें, क्योंकि क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था, फिर उस ट्रिग्नोमेट्री को हमने t मान के कन्वर्ट किया, दोबारा फिर एल्जेब्रिक फॉर्म में किया और लास्ट में वही आंसर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में आएगा। ठीक है, नोट करिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 11 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं क्योंकि टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशन हो रही है, तो ये क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, 11वें को हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें जब शुरुआत की थी तब मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर अंडर रूट आ रहा है तो केवल पूर्ण वर्ग विधि बनती है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा, भले ही चाहे टुकड़े हो रहे हों या ना हो रहे हों। तो अब हम यहाँ से 4 का भाग लगाते हैं, तरीका वही रखना है सारा पूर्ण वर्ग विधि वाला, कि पहले 4 का भाग, तो 4x² - 5x + 1 है, इसमें 4 का भाग और 4 से गुणा, अंडर रूट के अंदर ही चल रहा है सब कुछ। तो जब ये 4 बाहर आएगा तो इसको आप 1/2 लिख सकते हैं, ये dx हो गया, अपॉन में आ गए, यहाँ आ जाता है 4 में 4 का भाग लग गया x², इसमें भाग लग गया -5/4x, इसमें भाग लग गया तो 1/4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके जोड़ देते हैं, जोड़ते भी हैं घटाते भी हैं, सब अंडर रूट के अंदर ही हो रहा है, तो -5/4x है। अब देखिए, x के गुणांक का आधा करेंगे, आधा करेंगे मतलब 1/2 से भाग करेंगे, तो वो गुणा करेंगे, तो 5/4 है, 1/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5/8 आएगा। कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना, ध्यान रखना है इसका, कि कई बार कई बच्चे क्या सोचते हैं तो दुगना हो गया, दुगना नहीं हुआ है, 1/2 से गुणा हुआ है, 1/2 से गुणा करेंगे तो 5/8, और 5/8 का वर्ग करेंगे तो 25/64, तो ये 25/64 तो यहाँ जुड़ गया, और प्लस 1/4 है ही, और 25/64 यहाँ घटा दिया। ठीक है, ये काम कर दिया। फिर 1/2 आया dx अपॉन में, ये होल स्क्वायर बनेगा किसका, x - 5/8 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ इसमें लघुत्तम में आ रहा है 64, और 64 हो गया तो यहाँ 16 - 25 = 9, तो प्लस का, है ना, प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो प्लस का 9/64 हो गया, तो पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम इसको लिख देते हैं 1/2 dx अपॉन अंडर रूट x - 5/8 का स्क्वायर प्लस 3/8 का स्क्वायर। ठीक है, इसको t मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा dx = dt, ये वैल्यू इसमें डाल दी, तो 1/2 dt अपॉन अंडर रूट t² + 3/8 का स्क्वायर। अब देखिए क्या सिस्टम बना, x² + a² अंडर रूट में आ रहा है, तो लॉग वाला फॉर्मूला बनता है, तो 1/2 तो चल ही रहा है, लॉग x + √x² + a² मतलब t² + 3/8 का स्क्वायर और प्लस c। अब वैल्यू डाल दीजिए, बस यही आंसर होगा, लॉग t की जगह पर आ जाएगा x - 5/8 प्लस अंडर रूट, इसकी जगह पर x - 5/8 का स्क्वायर प्लस 9/64 प्लस c। और जब आप इसको हल करते हैं तो आपको यही जो द्विघात समीकरण है ये वापस मिल जाएगी जैसे ही भी आप सॉल्व करते हैं इसको, तो चाहे आप ये वाली लिख लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा x² -